अभी की बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भारी बवाल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प। छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोली चलाई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लंबे वक्त से चल रहे फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोकने के लिए उन पर गोली भी चलाई है। छात्र फीस वृद्धि को लेकर लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस घटना में किसी के घायल होने या किसी को गोली लगने की कोई सूचना नहीं मिली है। आपको बताते चलें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र के दौरान बहुत ही मजबूती से उठाया था। इलाहाबाद से बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच झड़प में उन पर गोली चलाई गई है। इस पूरी खबर पर और जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन प्राइम न्यूज पर। लोहे के डंडे से मारा गया गार्ड के द्वारा, लोहे के डंडे से चेहरा भी खत्म हो गया सर। गार्ड ने लोहे के डंडे से मारा, हमारी फायरिंग की, सीधा फायरिंग की बच्चों को मारा। किसने फायरिंग की है? गार्ड लोगों ने। आप साहब से पूछ सकते हैं, ये भी मौजूद थे, रोक रहे थे गार्ड को। हाँ, जो सुरक्षा गार्ड जो यूनिवर्सिटी के हैं जी, पुलिस इंस्पेक्टर रोक रहे थे सुरक्षा गार्ड को फायरिंग न करने के लिए। उनके सामने सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की है। किस लिए? किस बच्चों के ऊपर? बच्चे अपने सामान्य चीजों के लिए आवागमन यहाँ पे ऑफिशियल और चालू है उसी लिए आए थे। छोटा सा वाद विवाद हुआ जिसमें उन्होंने घेराबंदी कर कुछ बच्चों को मार दिए, जिससे लेकर कुछ सीनियर छात्र भी आए, उनको भी लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर, जिसमें विवेकानंद सर को सर फट गया। उसके बाद वो गोली चलाना चालू कर दिया। कितनी गोलियां चली होंगी? 7 से 8 राउंड मैंने सुनी है, बाकी सर वहाँ मौजूद थे ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन 7 से 8 राउंड मैंने सुनी।